आप चले जाइए आपकी तबीयत खुश हो जाएगी आप राजा बनाए गए हो बने बैठो तो कम से कम किसी की समस्या तो सुनो लो कश्मीर अयोध्या समाज मजाक का काम है कहा बिना कलेजे का काम है पाजा तो सार कच्चा खा जाए उनका राजा तो सही है लेकिन बीच के जो चिमचा है वो हराम खोरी करते हैं ना मोदी जी की तरह हो जाए तो देश तो डर जाए <laughs> मतलब क्योंकि जनता खुश है ना प्रदेश हमारा खुश है है लोका समझता सुख लो भवन तुम पीछे सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ अब ये तीसरी लहर आ गए ये इलेक्शन के बाद ये सब ड्रामा कहे हुए ना माँ आधे मर जात अगर दूसरा सरकार हम पे और भाजपा के आदमी किसी को वोट नहीं दे सकते उनके अंदर जात पात नहीं है हाँ कोई भी किसी भी जात का हो अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छा है वो किसान है वो किराए के हैं किसान का बरकार है मगर सब किसान भड़क के नहीं रहो मैं तो भैया केजरीवाल का आदमी हूँ केजरीवाल हाँ, आम जनता पार्टी तो के साथ में जुड़ा हुआ हाँ अगर नहीं जीत रहे हैं तो समझो वो हिंदू नहीं है, है, है। नमस्कार मैं संजय राजपूत पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है आज हम आए हैं कानपुर नगर के इमलीपुर गाँव में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं लेकिन वास्तविक तैयारिये क्या है ये हमको गांव के लोगों से ही पता चलेगा क्या उनके दिमाग में भी चुनावों को लेकर कोई तैयारी है आइए हम उनसे बात करके देखते हैं हमारे गांव में तो कुछ नहीं आया है कोई परिवर्तन नहीं आया कोई नहीं तो इसके पहले की सरकारें ज्यादा बेहतर थी आपको लगता है हाँ इसमें गरीब की को कोई का काम नहीं हुआ वो खे हत्या के अलावा और कोई काम नहीं हुआ गरीब की हम लोग तो बहुत संतुष्ट है सारी जनता हमारे यहाँ संतुष्ट है कि मान लो जो है गरीबों का भी राहत मिल रहा है एक समान सबको राशन मिल रहा है बच्चों को पढ़ाई मान लो थोड़ा वो तो है ही है बल्कि अब वही कोरोना की वजह बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है बल्कि मैडम जो आती हैं वो काम देती हैं पढ़ाती भी हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं प्रदेश में और जैसा काम कर रही हो के हिसाब से तो ठीक है अपने गांव के हिसाब से समझे तो जीरो है गाँव में विकास कर गाँव में हमारे कोई विकास नहीं देख लो जाकर कोई विकास नहीं घूम ले आप तो सकते हो फिर फिर अच्छा क्या प्रदेश कर में काम कर रही जनता के साथ काम कर रही है विद्रोह तो खत्म कर रही है आतंकवादी खत्म कर रही है जनता का सपोर्ट कर रही गरीबों की मदद कर रही है लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं बस इतना है इतने से इनकाउंटर हुआ योगी सरकार में तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक कास्ट मतलब जैसे ब्राह्मणों को खोज खोज कोई भी किसी भी जात का हो अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छा है जितने विधायक बिदा, लोग आते हैं सब उन्हीं के आदमी हैं उन्हीं के बड़ों की सुनते हैं छोटे आदमी की कोई सुनते ही नहीं छोटे आदमी की कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं थाने जाए तो हूँ डंडा लबडी खाएं तो ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को लेकर के तो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है हाँ। तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने अपराधियों पर तो अंकुश लगाया ही है हम वो लगा हुए है तो वही चार बदमाश का बाकी शरीफ आदमी का दंडित की जा रही है विपक्ष आवाज उठा रहा है अरे ये सब गलत था है ये सब गलत है ये विपक्षी लोग सब कर रहे हैं योगी जी की तरह योगी की मोदी जी की तरह हो जाए सब पहले तो देश में तो डर जाए तो समस्याएं आप यहाँ जो गांव में समस्याएं हैं या जो विकास कार्य अधूरे रह गए उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं तो प्रधान को देखना चाहिए या प्रधान की जाँच कराना चाहिए की प्रधान को इतना पैसा दिया गया प्रधान ने क्या क्या कराया है तो है। तो भाई प्रधान हम लोग तो क्या है अधिकारी है ना कुछ नेता है आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से विकास कार्य ऊपर से ऐसा है न हुआ है न होगा ऊपर से ऐसा है कि ना हुआ है कभी ना होगा कि विकास तो वो कर रहे हैं लेकिन अब जब नीचे का कर्मचारी नहीं ध्यान दे रहा है तो उनका उनका दोष नहीं है किसान तो खुद ही अपने काम काज में लगा है परेशान है धरना कहाँ से वो धरना कहाँ से देगा, कहा से देगा। ये तो राजनीतिक काम है हाँ। राजनीतिक नेता लोग हैं वो किसान नहीं है देखिए राम मंदिर पे बटोरे या ना बटोरे मगर उसके विकास कार्य और देश के जो मौजूदा हालात हैं जिसके पे उन्होंने काम किया है और ध्यान दिया है जनता जनार्दन पे उस पे उनको वोट मिलना चाहिए भाई दो योगी नाथ ने और मोदी ने दो ही मुद्दा उठाया एक राम मंदिर का और धारा तीन सौ सत्तर दिया ठीक है ना उसके बाद कौन सा मुद्दा है ये मुझे बताओ ये जो मुद्दे थे एक नंबर थे काम हुआ बड़े एक नंबर तो थे वो हाँ। आपकी बात अलग है हाँ। लेकिन उससे आगे क्या काम किया ये मुझे बताओ नहीं तो ये आप बताओ नहीं मैं कैसे बता दूँ यार तो बता मैं तो भैया केजरीवाल का आदमी हूँ आम जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ साफ सीधी बात पिछले पाँच सालों में योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो उसके पहले की जो सरकारें थी सपा बसपा कांग्रेस की उनसे उनकी तुलना में बेहतर है या नहीं उनसे सौ गुना बेहतर है सौ गुना है। अरे किसी का कि, 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 कि कि, कि लट का लट्टर नहीं है भैया यहाँ सब अपनी आजादी में है और सब अपनी जिम्मेदारी में है किसी की दहशत नहीं है इस सरकार में अपराधियों तो तो में डर का माहौल है हाँ वो माहौल खत्म है तो नया राकेश है कि कोनो भेड़िया है को है इनको भेड़िया नहीं दिखाई पड़े तो बहुत तो चौकसी तो है और पुलिस शासन भी सही है शासन सकते हैं हाँ। तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम है नहीं किया काम हाँ और न कर पाएगा दूस सर बैठेगा कर करेगी अभी नहीं तो अभी कुछ विकास कार्य में कुछ रह गया जो योगी जी की तरफ से कुछ कमियां रह गई भैया पुरखा इतना ढील जात है वो उन आदमी नहीं संतुष्ट होते मानस हो हाँ। अगर ज्यादा बुढ़ापा आगा तो खिड़की निकल जाते है वो तो इतना कर रहे है स्कूल के बच्चन का कर रहे है किसानों का दे रहे हैं खाली वो थोड़ा जानवर वानवर छुट्टा है उसे आदमी किसान लोग दिक्कत में है जो हत्या पे रोक लगा हाँ। तो वो है हमारे पंचन के हाँ। मगर हिंदे हूं लिया है उनसे हिंदी लिया तो रात डांटे का परत है केवल एक यही कमी है केवल यही कमी और थोड़ा है। बत्ती वाले इनका टाइट करने लायक है बिजली के हाँ ये साले दुगना बिल निकाल देगा हो और कहो शाम के मिट्टी का तेल बंद है तो कहो शाम के लाइट काट दे देगा का ग्यारह बजे देगा नौ बजे दे ये दिन हम सांगो थे का हो रहा है की यार बुआ यो काम है बड़ा गड़बड़ क्या बोले तो बताए की शहरों में चाचा कुछ गड़बड़ चल रहा है इसकी सुधार होगी मेरा भाई मुझे मालूम है ना कौन कौन से मुद्दे लेकिन तो आदमी बोलता है तो बोल दिया मैंने राम मंदिर का और धारा तीन सौ सत्तर है बस और ज्यादा कुछ थोड़ी तो ना तो रा, किया राम मंदिर यार धारा तीन सौ सत्तर आपको बहुत मामूली चीज लगती है नहीं मामूली तो नहीं लगती मेरा भाई आज तक कोई सरकार हटा नहीं पाई मेरे भाई ठीक है ना योगी नाथ ने मोदी ने जो भी किया धारा तीन जो हटाई है मेरा भाई कोई सरकार ने हटा पाई आज तक ठीक है ना उनने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं कहता हूँ और भी मुद्दे के आगे थोड़ा बढ़े तो कश्मीर और जो जब समाज जब वो कौन मजाक का काम है कहा बिना कलेजे का काम है पास जाए तो सारा कच्चा खा जाए उनका कहाँ समझे मतलब हमें ना कुछ उनके पास जाए कहा ना को कुन, मतलब है मगर अगर सोचो अगर तो अपनी जान को न देख के सारे काम उठा रहे हैं हमारे पंचायत घाटी तो उत्तर तो प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दो बार नहीं जीता है चुनाव हाँ। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर, तो अच्छा। अगर, तो 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 हाँ। अगर नहीं जीत रहे हैं तो हिंदू ये मान के चलो बहुत बेकार की चीज है अगर नहीं जीत रहे हिंदुत्व के नाम तो उनको वोट मिलना चाहिए हाँ अगर नहीं जीत रहे है तो समझो वो हिंदू नहीं है सला वो देश के कमीना आदमी दे हुई है सड़क पानी की भाई कुछ गड्ढे हैं रोड पे ठीक है ना बिजली इतनी महंगी हो गई है मेरा भाई आदमी कहाँ से जिएगा सिलेंडर इतना महंगा है भाई? नौ सौ का आठ सौ का लेके आते थे भाई नौ सौ का है तो क्या है यार भाई महंगाई कम करो बस यही हमसे दरखास्त है आदमी छब्बीस रुपये किलो आटा खा रहा है कहाँ से खा रहा है भाई हमने मायावती सरकार में आठ रुपए किलो छः रुपये किलो आटा खाया लेबर कितनी थी लेबर तो भाई ढाई सौ रुपये तीन सौ रुपये लेबर कितनी आज साढ़े तीन सौ रुपये चार सौ रुपये पाँच सौ कमा रही है भाई तो इनकम भी तो बड़ी है इनकम बढ़ी है मेरा भाई लेकिन इनकम पूरी मिलती थोड़ी ना आदमी को आपको लेबर तो नहीं अपने तो ऊपर भी है ना कोई आपको लेबर नहीं मिलती पूरी भाई, भाई मैं, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ खुद की गाड़ी चलाते हैं भाड़ा नहीं पूरा मिलता मिलता है केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या लगता है आपको महंगाई कम हो जाएगी अच्छे अच्छे काम सुने मैंने उनके बारे में बाकी यहाँ का यू कहाँ सुने विज्ञापन में है मेरा भाई विज्ञापन में सुने जाके देखा है जाके नहीं देखा है टीवी में विज्ञापन अखबार में टीवी में देखा है न्यूज में देखा है पार्टी में गए हैं हो है। हमने सुना होता हो तो है ही नहीं पार्टी सरकार में। नहीं भाई अभी तो बढ़ रही है होगी तो वो अपने अभी पता चल जाएगा लोगों को अपन तो पेड़ होते हैं आपको पता तो होगी ना वो बात आपकी अलग है भाई कार्य नहीं कराते हैं मगर वो मिलते जुलते हर समय रहते हैं मगर मिले जुले का कुछ काम हो करो काम करो मान लो जब आप काम नहीं कर रहे हो कान रहे निकालो तो पता लग कि मैं तुम हो कुछ खा रहे हो कहा समझे जो किसानों के लिए नए कृषि कानून है उनके बारे में कुछ पता है आपको नहीं अभी नहीं पता नहीं वो जो छह हजार रूपये दे रहे हैं, हैं। उसके बारे में के, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नए कानून बनाए हैं जिसमें आप अपनी फसल किसी को भी बड़े फर्म को बेच सकते हैं आपको आरतियों को बेचने की मजबूरी नहीं है उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली गए जानकारी होगी दिल्ली में तो कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि वो नहीं है वो किसान है वो किराए के हैं है।, हाँ, तो है।, है, है, है वो साथ विपक्ष पालती तो मरते घुस बैठ कर जनता का मरती है आंदोलन कर कोई मरे जा रहे का, मिल नहीं रही हाँ भाई किसानों... वो तो सफा दिखा रहो किसानों के नाम पर कर रहे हैं हाँ वो किसान का नाम ले रहे हैं सर किसान को भड़का रहे मगर सब किसान भड़क नहीं रहो अब किसान है आंदोलन मत देख ले मार कितने मरी गई और आज तलक भी नहीं देखो आज जो भी पेपर में बैठे तो क्या है आप राजा बनाए गए हो बने बैठो तो कम से कम किसी की समस्या तो सुनो अरे वो तो राजनीति समझते हैं उसको तो उस पर पार्टियों ने ऐसा एक यंत्र दे दिया है कि तुम ये यंत्र को उठाओ तो जो है आगे आने वाले समय में सरकार बेकार जाए तो। नहीं उनको भी खाने को मिल रहा है उनका भी गल्ला बिक रहा है इतने मान भी वो तो एक अपनी राजनीति है राजनीति हाँ हाँ वो तो राजनीति वो वही साफा और पकड़ी वाले ज्यादा भरकर जाऊँ भरकर जाऊँ उनका तो गन्ने का है हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी बाजार से कोई नहीं हाँ कुछ नहीं वो थे को जनता नहीं तो को नाम है नहीं वो वो थे आंदोलन कर रहे हैं कि धरना रहे हैं कि तो क्या कर रहे हैंदित्यनाथ की इससे हमको लेटरिंग मिली अच्छा। जो हमें अनाज न मिला तो कंट्रोल मा तो मान लो फ्री मिल रहा है पैसनों तो मिलते रहो वो मा तो ये रहो है की सपा का बोर्ड दिन नहीं तो एक खड़गपुर का नेता है तो एक उड़े के नेता है तो इनके कार्ड काट दे अपन इनके कार्ड बना दे सपा के लोग ऐसा करते थे अरे भाई, आते कर भाई।, सपा भाई। का भाई काम हाँ। तो चाहे भाजपा की सरकार में इसमें एक निगाह से एक निगाह से कोई ये नहीं कह सकता है कोरोना को लेकर क्या सरकार सफल रही है आपको लगता नहीं कोरोना आधे मर अगर दूसरा सरकार अच्छा, हाँ। मोदी जी हरण के योगी जी के टाइट ना होती दिमाग की ना हो तो जैसे अब छोड़ो है अब करोना कोरोना के खातिर तो बबुआ जो है कि हम तो यहाँ के चीज जाना था कि आज भी तो कोरोना नहीं चलो कोरोना सदरते ये सब दिखावा खेल है इलेक्शन के बाद सब सारे खेल है ये कुदरत के अलावा हाँ हम जानते हैं कि मालिक ही एक तो क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोरोना है नहीं आप कोरोना ये सब उन्हीं का लाग है सब उन्हीं का खेल किया हुआ है अब ये तीसरी लहर आ गए ये इलेक्शन के बाद ये सब ड्रामा हो का आप भी तो जनता ही हैं तो जब हाँ तो हम तो हम, हम गांव में बोल रहे हैं ना हमारे गांव में कुछ काम हो तो हम उसका फायदा पाओगे तुम्हारे गांव में कुछ है तो उसका फायदा हमें थोड़ा मिलेगा हमें गांव में फ़ायदा हो तो उसका तो फ़ायदा हमें भी नहीं मिलते हैं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही अच्छा कर रही होती तो आपको भी बेनिफिट मिलता नहीं नहीं वो बेनीफिट का वही दशा है कि राजा तो सही है लेकिन बीच के जो चिमचा है वो हराम खोरी करते हैं ना को, 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 कोई चीज़ तैयार हुई वो अपने आ लिया चले जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं छोटा गाँव है और ज़्यादा शिक्षा है नहीं तो इसको सब बेवकूफ़ समझते हैं कि क्या जाने वो खाली बस इसी में गांव पीछे पड़ा है मतलब योगी सरकार अच्छा काम हाँ, हाँ योगी सरकार तो भाजपा सरकार तो काम ठीक कर रही है केंद्र में राज्य में केंद्र में भी अच्छा काम कर हाँ हाँ तो क्या क्या कुछ सुविधाएं कुछ तो मिली होंगी ना हाँ सुविधा का गैस सिलेंडर मिला प्लस राशन मिल रहा है, है। फ्री में हाँ फ्री में और भी जो कोनी समस्याएं होती हैं कि कोई आदमी यहाँ के बोलता है कहता हम देख लेंगे तो वो देख वो बोलने से वो अबदाब खाता है प्रशासन के भय से भय से बस यही है मान ली खुशन गाँव में हमारे तो कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है जो सरकारी के राज्य सरकार से हमको यहाँ कुछ गांव में हमारे पचास हजार का काम हुआ हो अच्छा कोई काम नहीं हुआ। ना 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 आप देख सकते हो फिर भी आप सरकार से खुश हाँ हाँ मतलब <laughs> क्योंकि जनता खुश है ना प्रदेश हमारा खुश है है लोका समझता सुखन भवंतु जब पूरा हमारा प्रदेश खुश है समझो हम खुश हैं जो पहले आप अपना अनाज बेचने पे डिपेंड रहते थे मंडी जाते थे हाँ हा, ये भी सही हुआ, भी हुआ है।, है कि आप कहीं भी बेच सकते अब हम कहीं भी बेच सकते हैं जो रेट निर्धारित कर देगा रेट का पैसा हमको मिलेगा अच्छे रेट पे पैसा मिलेगा दादा क्या लगता है आपको क्या 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 कमियाँ रह गई जो सरकार को करनी चाहिए थी और जो नहीं किए अब सरकार का कमियाँ यहाँ है कि पब्लिक के सेवा करें घाटी में उतरे तो सेवा करो हत्या न करो तो क्या क्या समस्याएं हैं गांव की जो नहीं पूरी हुई आपके ख्याल से अब हमारे गांव में तो लोगों के घर मकान पड़े हैं वो भी आज तलग नहीं हुआ और जो खेती है सब चबाए जा रहे हैं हरा वो खे के कौन जना नहीं है जो गाय गा, गा, हाँ, उससे नुकसान हो रहा है वो से इतना नहीं नुकसान हुए अपन घर डांटें कि जंगल डांटें अब और डट हर हाथ जुटी आ जाए कौनो बेड़ा जाए तो एक मनैका करी का वो ही कमा डर तो सब तरह के इस तरीके से आदमी भूखन मर रहा है कोई हो नहीं रहा अभी हम मौजूद हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभिजीत सिंह राणा जी के गांव मोहम्मदपुर में और यहां के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका पिछले पांच सालों का कार्यकाल कैसा रहा पिछले सरकार में तो को भाजपा को, जानते हैं नहीं, किसी को भी देंगे। सब दिया गोस्वामी है योगी जी उन्हीं को कर रहे हैं जो योगी जी का पूरा सोचते हैं योगी को वोट नहीं दे सकते वो योगी जी कर रहे उनके लिए चार आदमी हमारे यहाँ मरे हमारे पिता मरे थे वो मरे मेरा भतीजा मरा मेरी माँ मरी केवल गंदगी की, की वजह से और सब गवर्नमेंट की जमीन है सब ग्राम समाज की जमीन है गवर्नमेंट की भूतपूर्व प्रधान है वो बहुत मक्का आदमी रहा है नहीं, उनके अंदर जात हाँ, मतलब, मतलब पात नहीं है आपने देखा होगा हाँ योगी मतलब सीएम साहब के अंदर मतलब जात पात नहीं कि मतलब कि कौन गरीब है कौन अमीर है मतलब सरकार का बदनाम करने के लिए मतलब वहां तो छुड़ा रही ठीक है वहाँ के कार्यकर्ता जब यादव बैठे लो क्या करा जाता तुम लोग और भाजपा बोर्ड दो उनका मतलब मान सकता घुमाने के लिए जो हाँ वहाँ के अधिकारी जैसे मतलब जो सपा वाले उनके अंदर जात पात अब भी ये जैसे मुसलमान लोग हैं ये अंदर और ये याद हो गए बहुत जात पाता है वो तो खुला विरोध करते हैं तो अगर अगर तुम सफा गए हो या तो तुम्हारा अगर नाम लिखा या तो तुम्हारा काम होगा अन बिरादरी से भाई लड़ाई तुम चाह पैसा दो कुछ नहीं तो सफा में ये राजनीति इसीलिए जनता गरीब होगी मतलब परेशान होके मतलब भाजपा की है अब भी या लोग के अंदर मांग सकता अभी जैसे मतलब बातचीत हो जाती वो कहते कि आने आने दो मतलब सफा सरकार तुमको हम तो कह देते हम लोग का डर है भगवान के हम सक्षम है सब कुछ मतलब लिखे पड़े हैं हम तो कह देते अभी मान सकता बनी बल दो तो अभी भले शायद कुछ सीटें तुम्हारी लोग की आ जाने तो फिर भी कुछ नहीं आएंगी जब अब तुम्हारे अंदर इतना घमंड है भाजपा भाजपा हम लोग तो भाजपा के पाल लोग हैं हम लोग भाजपा सपोर्ट करते हैं। मतलब सभी लोग करते हैं हम लोग करके हैं करके और घुमाने के लिए वो कहते हैं कि मतलब है तो मतलब सब लोग पढ़े लाख पाल भी पढ़े लिखे हैं ठीक है वो ये वो तो पहले जमाने में सिस्टम खत्म गया है ईरगढ़ वो नहीं अब तो समझ गए कि हमको किससे लाभ है किससे बेनिफिट है सपा समर्थक हैं वो कहते हैं कि यादव और गढ़रिया एक है मतलब सपा वाले भड़काने भड़काते हैं जैसे बूढ़ बजरंग लोग होते हैं कुछ अनपढ़ लोग पड़े होते कि देख लो अपने दूध दही वाला काम करते हैं अपना भैया भैया अब उनसे पूछो अगर कि भाईया हाँ कि अगर भाईया भाईया काम फंसेगा भैया अगर जब काम नहीं करता तुम क्या मतलब तुम लोग ये और कहते हुए उनकी मान सकता भी मतलब मुसलमान जो मियाँ लोग हैं मुसलमान वर्ग की को वो सपा को देंगे कहीं छोड़ू उनका मतलब ये सिस्टम कि अखिलेश का उनका जैसे मुलायम सिंह का भी सिस्टम है कि मतलब अगर कहीं कुछ मंदिर मस्जिद वाला सिस्टम आ जाए तो वो मुसलमान की कहेंगे हमारे यहाँ अभी दंगंगा हो गया तो पूरा मतलब जितना मुसलमान सब एकजुट था बिल्कुल और हिंदू तो मतलब चलो ठीक हिंदू तो हैं करके हमारे यूँ भी जया कि बहुत सपोर्ट की मतलब हिंदू लोगों को और मतलब ठीक उनका शासनकाल अच्छा है उनका तो राम मंदिर भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अरे क्या तो कहने उसको आज तक कोई बनवा पाया इतने तो थे सब लोग उसको ढहाने के अलावा और बनवा पाए वाला। जबकि अयोध्या राम की है रामनगरी कहा जाता है अयोध्या वासी हम भी हैं लेकिन दुख कर लेते थे और क्या कहें हाँ अयोध्या आप चले जाइए आपकी तबीयत खुश हो जाएगी अब देखिए सबका साथ और सबका विकास में तो सभी आ गए हैं जिसके छपरा हुआ था कार कभी का बनवा ही नहीं पाते और सबके छत बन गई है पक्का मकान में टक तक रह रहे हैं राशन ला रहे हैं सब खा रहे हैं मऊ से तो ये अगर फिर भी ये बुराई करें तो क्या कहा जाए किसी को ये उनकी योग्यता है हाँ योग योगी जी की योग्यता है और महानता भी है कि उन्होंने जो समाज के लिए कार्य किए हैं और मैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि प्रभु उनको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए शक्ति दे और बल दे